के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आ रहा हूँ। सर मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी था। 2014 में मैंने मेरे फेसबुक के माध्यम से हमको एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया जिनका नाम प्रेरणाजीत सिंह था। उन्होंने हमसे शादी का बात किया, साल डेढ़ साल तक हमारा उनसे रिलेशन था, लिविंग रिलेशन में हम लोग थे। फिर उनके मन में अचानक क्या हुआ, उनका मन बदला, कोई तीसरा पसंद आया। उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा मैंने तुम्हारे साथ जो शादी का वादा किया है मैं हजारों के साथ करती हूँ, चुपचाप हमको भूल जाओ, नहीं तो तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ हमको जेल भेजवा, तुमको जेल भेजवा दूंगी। और वो जेल भेजवा भी सकती क्योंकि उनके पास कानून है, सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। मगर मैं हिम्मत नहीं हारा था, मैं थक हार करके मैं अपने नज़दीकी थाने इंचार्ज के पास गया, उनसे हमें कोई मदद नहीं मिला। मैं SSP साहब के पास गया, उनसे हमें कोई मदद नहीं मिला। उसके बाद मैं 156(3) के माध्यम से माननीय कोर्ट में मैंने इस मामले को रखा। माननीय कोर्ट के आदेश पर संबंधित थाने में FIR दर्ज कराने का आदेश हमें 22/7/2014 को प्राप्त हुआ। उसके बाद से सर आपको 1.5 साल का समय लग गया उस FIR में चार्जशीट दाखिल होने में। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल किया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सामने वाली पार्टी उस केस से बचने के लिए मेरे ऊपर 354 का केस 2014 में किया, 2017 में किया, 2017 में किया और मेरे ऊपर 20 दिन के अंदर कार्रवाई हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं जी आज की डेट में मैं जिस केस के लिए मैं 7 साल से उनको मैं सज़ा दिलवाने के लिए मैं कोर्ट में तारीख पे तारीख देख रहा हूं और आज तक उनको केवल नोटिस जा रहा है, उनको सज़ा नहीं हुआ है, और उनके फर्जी मामले में मुझे 20 दिन के अंदर उनको जेल भेज दिया गया था। क्या ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है? क्या ये कानून है? वो गलत हो करके मेरे माँ को, मेरे बाप को, हमको मरने का धमकी दे करके, हमको मारने के लिए प्रेरित करके हमको उन्होंने हमको उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मैंने आपको दिखाया, वो मेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दे रही है। मगर उनको लिए कोई सख्त कानून नहीं है और उनके फर्जी मामले में हमको पकड़ करके 8 दिन के बाद हमको जेल भेज दिया गया। क्या मेरा कोई मानसिकता नहीं है? मैं जेल जाने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरा चौपट हो गई, मैं पूरा बर्बाद हो गया। मैं नहीं चाहता, मैं क्या करूँ, मैं सोचता, मैं सब मैं नहीं सोच पाया, मैं पूरे तरीके से विक्षिप्त हो गया। मैं अपने परिवार में किसी से नहीं कह सकता था, मेरे आस पड़ोस के लोगों ने मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहना चालू कर दिया। कुछ लोग इतना बुरा कहा कि हमको बहुत नीचा तक गिरना पड़ा क्योंकि कोई महिला फिर से मेरे ऊपर कोई केस ना करे ताकि मेरा जो कैरियर थोड़ा बहुत बचा वो भी चौपट ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जितना त्वरित कार्रवाई महिलाओं के लिए किया जाता है उतना त्वरित कार्रवाई और त्वरित न्याय पुरुषों के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे केसेस में केवल आदमी सुसाइड ज़्यादा करते हैं, आदमी के ऊपर केस ज़्यादा होते हैं, आदमी के ऊपर 498 का केस भी होता है और फेक केस भी होता है, आदमी के ऊपर 376 भी होता है, फर्जी 376 भी होता है, आदमी के ऊपर 354 भी होता है, फर्जी 354 भी होता है, मगर किसी औरत के ऊपर इस तरीके का केस नहीं होता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान में हर महिला अच्छी होती है? क्या कोई महिला अपराध नहीं करती है? करती हैं, महिलाएँ भी अपराध करती हैं, महिलाएँ भी संगीन अपराध करती हैं, अपने पति को 56 टुकड़ों में कर देती हैं, अपने बच्चों को मार देती हैं, मगर उस पर आज तक हिंदुस्तान में किसी ने फांसी की सज़ा नहीं दी। आप लड़कों को फांसी की सज़ा देते हैं, दीजिए, अच्छी बात है, मगर जितना दोषी हिंदुस्तान में आदमी होता है उतना ही दोषी हिंदुस्तान में महिला भी होनी चाहिए, तभी हम समान नागरिक संस्था में जिएंगे और तभी हमारा समाज एक संपन्न समाज बनेगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे साधु बाबा रहते हैं, उनके ऊपर भी केस किया गया है, उनके एक बात पे लड़की कुछ भी कहेगी आप देखेंगे 5-5 लाख लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है उनके सुरक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए, मगर कानून कहता है कि उस जनसैलाब का कोई अर्थ नहीं है। जो महिला कह दे वो सही है, चाहे वो सही कहा हो चाहे वो गलत कहा हो, और इसके विपरीत कोई महिला इस तरीके की ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर किसी महिला के ऊपर कार्रवाई किया गया हो। या इतने सालों में देश आज़ादी के बाद से पुरुषों के ऊपर तो बहुत सारे फांसी हुए हैं मगर महिला के ऊपर कि एक भी महिला के ऊपर आज तक फांसी नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा नमूना है कि हमारे हिंदुस्तान में कानून का और जुडिशरी का क्या सिस्टम बना हुआ है। 15-15 साल की बच्चियाँ जो होती हैं वो अपने पूरे परिवार को जहर दे करके भाग जाती हैं प्रेमी के साथ। आप देख सकते हैं कि बापू आसाराम जीत हुए, उनके केस में क्या हुआ कि एक नाबालिग ने उनके ऊपर जो आरोप लगा दिया, मतलब जो महिला ने कह दिया वो सही है, 15 साल की बच्चियाँ जितना घिनौना अपराध करती है इतना जघन्य अपराध करती है, मगर उसके लिए कोई मतलब दिशा निर्देश नहीं है। केवल और केवल पुरुषों को टारगेट किया जाता है, चाहे वो संत समाज हो गया, चाहे वो जुडिशरी होगी, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो गया, चाहे वो वकील का ग्रुप हो गया, चाहे वो आम आदमी, तो हम लोग तो दूर कही बात है और हम लोग आज झेल रहे हैं। हम केवल सरकार से इतना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके, मैं बाबा विश्वनाथ का सेवक अतुल केसरी काशी का निवासी, मैं इतना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और मोदी जी हमारी बातों को सुने और समान नागरिक संहिता और पुरुष आयोग का तत्काल गठन करें
ताकि हिंदुस्तान में 70% अपराध कोर्ट के माध्यम से कम हो और अपराध में भारी गिरावट आए। जय हिंद, जय भारत।